सीरियल पांड्या स्टोर के एक्टर अक्षय खरोड़िया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। एक महीने पहले ही इन्होंने गर्लफ्रेंड दिव्या पुनेठा संग उत्तराखंड में शादी की थी। शादी के बाद ये स्टार अभी ठीक से चैन की नींद भी नहीं ले पाया क्योंकि अभी भी इनका आना जाना लगा हुआ था। इस बीच ऐसी खबरों ने जोर पकड़ा है कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल अक्षय खरोड़िया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसे देखकर फैंस हैरान हो गए। इनके परिवार को भी बड़ा झटका लग गया। कई लोग सदमे में हैं कि कैसे इतनी जल्दी ये जोड़ी अलग हो सकती है, महज एक महीने के लिए क्या झूठी शादी की थी। अक्षय के इस पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस उनसे पूछ रहे हैं कि दोनों के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं है। अक्षय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था एक मोहब्बती, जिसके साथ अक्षय ने टूटे दिल की इमोजी भी बनाई। साथ ही इन्होंने दिव्या के साथ अपनी फोटो शेयर करना भी बंद कर दी। बता दें उनकी पत्नी डॉक्टर है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके माता पिता बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे क्योंकि उनके पास एक सेटल नौकरी नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी दिव्या के माता पिता अलग अलग धर्मों के कारण भी उनकी शादी को लेकर कंफ्यूज थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी शादी हो, लेकिन बाद में वो बेमन मान ही गए क्योंकि वो एक ब्राह्मण है और मैं एक राजपूत। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल के समय में दिव्या ने उनका पूरा साथ दिया। फिलहाल उनकी शादी को लेकर उठ रहे सवालों पर अक्षय ने भी जवाब दिया है। अक्षय ने कहा, ये सब अफवाह है, मैं और मेरी वाइफ ठीक हैं और एक साथ खुश हैं। लेकिन अक्षय ने ये नहीं बताया कि वो पोस्ट क्यों लिखा और किसके लिए लिखा। हालांकि अक्षय का मैसेज सेक्शन भी सवालों से भर गया है, जहां लोग उनसे क्या ये दिव्या से संबंधित है जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको इतना दिल तोड़ने वाला किसने बनाया, क्या आपके और दिव्या के बीच सब ठीक है, और भी कई सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। अक्षय ने तो इन सवालों पर रोक लगाने के लिए अफवाह का जवाब दे दिया है, लेकिन अब देखना होगा दिव्या का क्या जवाब होगा। क्या सच में कुछ गड़बड़ है इसलिए दिव्या का अभी तक जवाब नहीं आया, या अक्षय अपने और दिव्या के रिश्ते का बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं। वर्क फ्रेंड की बात करें तो अक्षय इन दिनों स्टार प्लस के हिट शो पांड्या स्टोर में नजर आ रहे हैं। आप भी एक्टर की शादीशुदा जिंदगी पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शो पांड्या स्टोर की शूटिंग कर रहे एक्टर कंबर ढिलोन का कहना है कि वो महीनों से अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। मेरे दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे काम करना ही पड़ेगा। मैं पिछले लॉकडाउन से घर में बैठा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं घर में। एक महीने के लिए परिवार से दूर रहना पड़ा है, अब अगर मुझे और भी दूर रहना पड़े तो मैं रहूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे पास इस कठिन समय में काम है। एक्टर ने हाल ही में बीमारी से अपने एक सदस्य को भी खो दिया। देश के लिए ये समय बहुत ज्यादा कठिन है। कुछ हफ्ते पहले मैंने दिल्ली में अपने चचेरे भाई को इस बीमारी से खो दिया। वो 40 साल के ही थे। और सबसे दुख की बात यह है कि हम दिल्ली में उनके लिए बिस्तर की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन कहीं भी बेड नहीं मिला। हम उनके लिए दवाइयों और इंजेक्शन की व्यवस्था तक नहीं कर पाए। पैसे भी खर्च किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, हम उन्हें बचा नहीं पाए। हमें बहुत दुख होता कि वो इतनी कम उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि पहली लहर के बावजूद हम इस बार तैयार नहीं थे। आपको बता दें 23 साल के कंबर एक्टर दीप ढिल्लो के बेटे हैं। 2012 में सीरियल ना बोले तुम ना बोले मैं कुछ का सीजन 2 के साथ टीवी पर शुरुआत की थी। कंबर एलिस कौशिक के साथ शिव पांड्या की भूमिका निभा रहे हैं। टीवी शो पांड्या स्टोर में वो लीड रोल में नजर आ रहे हैं। उनके किरदार ने उनके और फैंस को काफी खुश कर रखा है। इसी शो में कंबर की किंशुक महाजन से अच्छी बॉन्डिंग है, वो उनसे अपने दुख दर्द शेयर करते रहते हैं। विदाई और नागिन 2 में नजर आ चुके किंशुक महाजन वही एक्टर हैं जिन्होंने अपने जुड़वा बच्चों का मुंडन खुद करके खूब चर्चाएं बटोरी थी। किंशुक ने फिल्म दिल्ली हाइट से डेब्यू किया था, लेकिन साल 2007 में उन्होंने धूम मचाओ धूम से टीवी का रुख कर लिया। किंशुक को फेम सपना बाबुल का विदाई में लीड रोल प्ले करते देखा गया था। बाद में वो अफसर बिटिया, चांद छुपा बादल में, तुम ऐसे ही रहना, तेरे शहर में, नागिन, भूतू जैसे शोज में नजर आ चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री का मी टू मुद्दा कोई हैरानी वाला मुद्दा नहीं रहा। कई एक्ट्रेसेस, निर्देशकों और अभिनेताओं पर काम के दौरान सोशल करने का आरोप लगा चुकी हैं। तो वहीं अब एक और एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री के गंदे लोगों का खुलासा किया है। हाल ही में एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट ने भी अपने ऐसे अनुभवों को लोगों के साथ शेयर किया है।
किश्वर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने भी इन सब चीजों का सामना किया है और मुझे एक हीरो ने सांस सोने को कहा था। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि वो एक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। एक्ट्रेस ने बताया कि मेरे साथ ऐसा तब हुआ जब मैं मीटिंग के लिए गई थी, लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार हुआ। मेरी माँ मेरे साथ थी, मुझसे कहा गया कि मुझे हीरो के साथ सोना होगा। मैंने विनम्रता के साथ ऑफर ठुकरा दिया और चली आई। एक्ट्रेस ने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत होता था, इंडस्ट्री बदनाम है, लेकिन हर इंडस्ट्री में ये चीजें होती हैं। जब उनसे पूछा गया क्या हीरो और प्रोड्यूसर बड़े नाम थे तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, दोनों ही बड़े नाम थे। एक्ट्रेस से पूछा गया कि आपने फिल्मों में काम क्यों नहीं किया तो एक्ट्रेस ने कहा कि यही कारण है जो मुझे फिल्मों से दूर रखा गया। नहीं, मैं काम के लिए बहुत फोर्स थी, मुझे झुकाव टीवी की तरफ ज्यादा था। मुझे काम में क्वालिटी और क्वांटिटी मिल रही थी। टीवी से आपको ज्यादा पहचान मिलती है, फिल्मों के छोटे रोल मिलने से ऐसा नहीं होता है। किश्वर मर्चेंट ने फिल्म हम तुम और भेजा फ्राई 2 में काम किया है। काम पर वापस लौटने के बाद एक्ट्रेस कहती है कि 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होने की मुझे बहुत खुशी है और मैं सेट पर वापसी लेने के लिए 1 साल का वक्त लूंगी। मेरे पास घर पर काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अगर मेरा रोल सीरियल में काफी अच्छा चला तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बता दें, किश्वर मर्चेंट पहली बार माँ बनने वाली है। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय कर रही है और फैंस के साथ अक्सर दिलचस्प फोटो शेयर करती रहती है। किश्वर और श्रेयस रियास ने मार्च में फैंस को ये खुशखबरी दी थी कि वो जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। वेल, आप एक्ट्रेस के इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। टीवी जगत के स्टार्स कपल्स में से एक श्रेयस राय और किश्वर मर्चेंट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने फैंस संग पेरेंट्स बनने की खुशी शेयर की थी। ये कपल एक एक दिन को बड़ी एक्साइटमेंट के साथ काट रहा था कि जल्दी इनका नन्ना मेहमान घर आएगा और वो खुशियां मनाएंगे। कपल अपने नन्हे मेहमान को खिलाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही एक्टर की खुशियों को नजर लग गई। जी हाँ, बेबी को खिलाने से पहले एक्टर हॉस्पिटल पहुंच गया। लॉकडाउन के दौरान किश्वर की प्रेगनेंसी पर श्रेयस कहते हैं, हालांकि सोचा नहीं था कि किश्वर की प्रेगनेंसी का ये वक्त इस तरह से लॉकडाउन में बीतेगा। बहुत प्लानिंग की थी कि अपनी वाइफ को कहीं घुमाऊंगा, कहीं फिराऊंगा, पर ठीक है, ये जो दौर है पूरा देश इससे गुजर रहा है और बहुत जल्दी ये गुजर भी जाएगा। फिलहाल मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सके मैं घर में रहूं और सबकी देखभाल करूं। मैं अप्रैल महीने में बीमारी से संक्रमित हो गया था, वो समय शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रेग्नेंट पत्नी मेरे पास आ नहीं पा रही थी। वो अलग मजबूर थी और मैं अलग मजबूर था। वो तो ईश्वर ने उन्हें बहुत बचा लिया कि इनके परिवार में कोई और शख्स इस बीमारी से संक्रमित नहीं हुआ। अगर उनकी पत्नी इस बीमारी से संक्रमित हो जाती तो यकीनन उनके बच्चे के लिए खतरा बन जाता। श्रेयस कहते कि मेरे घर पर ही स्टूडियो है जहां मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था और घर पर ही हाउस हेल्प है। किश्वर के पेरेंट्स हैं जिससे काफी सपोर्ट मिला। स्टूडियो के बाहर ट्रॉली रख दी गई थी जिसमें वो खाना पीना और जरूरतें की चीजें डाल देते थे। मैं ले लेता था, किश्वर से वीडियो कॉल्स पर बात करता था तो वो कहती थी कि ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। उस वक्त मेरी यही प्राथमिकता थी कि मैं किश्वर को सेफ रखें और उसकी प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। भगवान की दया से हम सब ठीक हैं और स्वस्थ हैं।